फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक रेस में। और मैं हूं आपका होस्ट आज के लिए, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक और गेस्ट आज के लिए। और इन ये हमारे स्टूडेंट है, बेसिकली यहां से ये रिसेंटली प्लेस हुए हैं। और इनकी जर्नी कैसी रही है थ्रू आउट द करियर, जो यहां पे इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है लॉजिक रेस के साथ, और इन्होंने जो कोर्स के लिए अप्लाई किया होता, तो हम जानेंगे इनकी जर्नी कैसी रही है, जो प्लेसमेंट है, सो कंप्लीट डिटेल इनके बारे में जानेंगे। सो मिलते हैं इनसे। हाय ब्रिजेश, वेलकम टू अवर सेशन। और आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले आपका जो फीडबैक जो सेंटर के बारे में रहा है, स्टार्टिंग विद योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। पहले तो सर मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड का मैं बताऊँ तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। ओके, बेसिकली आई एम इंजीनियर, बट मैंने अलग फील्ड में किया था इलेक्ट्रिक में। पर फिर क्या हुआ कि फिर सोचा कि करियर और ग्रोथ है जो अभी आई टी सेक्टर में ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शिफ्ट किया जाए एज अ डेवलपर। तो फिर मैंने इसलिए शिफ्ट करने का सोचा था। ओके, सो बेसिकली आपने इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो आपने फिर बाद में आईटी सेक्टर में मूव हुए, सो आपको यहाँ लॉजिक रेस के बारे में पता कैसे चला? सर मैं वैसे ढूंढ रहा था, पहले मैंने गूगल पे सर्च किया। okay. तो फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं अहमदाबाद में, तो फिर 6-7 इंस्टीट्यूट का मेरे को पता चला। okay. तो फिर मैं जनवरी में कैसा हुआ कि मैं चेक करने को, मतलब विजिट करने को आया सब जगह, तो 6-7 इंस्टीट्यूट मैंने विजिट किए सब। okay. तो फिर उसमें से मुझे ऐसा लगा कि ये इंस्टीट्यूट है वो बेटर है सबसे। okay. तो इसलिए मैंने ये चूज किया, तो फिर गूगल थ्रू ही पता चला था मेरे को। ओके, गूगल के थ्रू पता चला था। ठीक है, सो अबाउट योर जर्नी, जो आपने कोर्स लिया था कौन सा लिया था? मैंने लिया था जावा बैकएंड डेवलपर। जावा फुल स्टैक? जावा फुल स्टैक के लिए, नहीं बैकएंड, बैकएंड के लिए। ओके, सो जावा का जो आपने कोर्स किया था, सो उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ाई गई, टीचिंग मेथड्स क्या क्या थे, और जो प्लेसमेंट है उसकी गाइडेंस कैसे थी, उसके बारे में जानना चाहूंगा। एक्चुअली सर, तो पहले सर मैंने डेमो लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली उसी से पता चलता है कितना है। तो फिर डेमो लिया तो अच्छा लगा कि नहीं ये मेथड है इनकी, वो अपने को समझ आ रही है। तो उसके बाद क्या फिर स्टार्ट हुआ जर्नी, मतलब पहले तो बेसिक से स्टार्ट किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर कैसे कोड करना है, फिर जो सेटअप अपना होता है कोडिंग के लिए, वहाँ से लेके कोर जावा किया पूरा, मतलब जो अपने कंसेप्ट है बेस कि जिसके ऊपर मेन हम कोडिंग करते हैं, तो कोर जावा का पूरा कंसेप्ट चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, एडवांस जावा आता है कि जिसकी हमें एंटरप्राइज एडिशन में ज़रूरत होती है बेसिकली, तो वो JSP और सर्वलेट वो सब चला। फिर उसके बाद सर आया हाइबरनेट जो एक फ्रेमवर्क है, फिर स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग वो सब थ्रू आउट हुआ। और फिर उसके बाद लास्ट में जो अपना प्लेसमेंट का था, तो वो इधर एक मैडम है तो उन्होंने पूरा गाइड किया, उसके 10-12 सेशंस हुए, तो उसके वो भी एक बहुत बेनिफिशियल रहा कि इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, आपको आता है पर कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, तो वो सब भी बहुत बढ़िया रहा। परफेक्ट। सो देखा आपने कि यहाँ पे किस तरीके से इनकी प्रॉपर गाइडेंस दी गई और प्रॉपर ट्रेनर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, राइट? आपको सब तरफ से मॉक इंटरव्यूज और आपको प्रिपेयर किया गया था। यस सर। ओके, सो आपको कहीं पे ऐसा लगा कि कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपको ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ ठीक होनी चाहिए थी और अच्छे से होना चाहिए था, तो लाइक बेसिकली आपका फीडबैक कैसा रहा? एंड उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी कंपनी में प्लेस हुआ, कैसा एनवायरनमेंट है उसके बारे में। तो पहले तो मैंने 2 कंपनी में इंटरव्यू दिया था। okay. पर वो मतलब क्या था कि मेरी टेक्निकल जो था वो बहुत बढ़िया नहीं था। okay. तो इसलिए फिर आपने ही मॉक इंटरव्यूज लिए थे 2-3। और जो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा डेवलप हुआ, तो फिर उसमें क्या था कि एक QDEV टेक्नोलैब्स करके कंपनी है। okay. तो निकोल में बेस्ड है, तो वो वेब डेवलपमेंट java.net उसके ऊपर वर्क करती है, तो वहाँ पे अभी प्लेसमेंट हुआ है। ओके, सो QDEV में हुआ? यस, QDEV। ओके, सो ब्रजेश का जो प्लेसमेंट हुआ है वो QDEV के अंदर हुआ है एज अ जावा डेवलपर। ओके, सो वहाँ पे इनकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही, मैंने इनसे थोड़ी देर पहले भी बातचीत भी की थी, इनकी बहुत अच्छा काम चल रहा है। ओके, सो एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है वहाँ पे? यस सर, सभी सपोर्टिव है वैसे, और उनका एक वो अच्छा है कि मतलब बैकएंड से हम ज्वाइन हुए तो फिर वो सबको फुल स्टैक बना रहे, तो फिर अपॉर्चुनिटी भी ऐसी है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है। ओके, गॉट इट। सो ऐसा कोई लॉजिक रेस के लिए फीडबैक आप देना चाहोगे? हाँ, लॉजिक रेस ये कि अच्छा है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी फील्ड में से आ रहे हो और आपको आईटी में अगर जॉब का करियर सोच रहे हो। okay. तो अहमदाबाद में बेस्ड ये मेरे को ऐसा लगा कि सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मैंने 10-12 इंस्टीट्यूट विजिट किए। okay. और उसमें से मेरे को बेस्ट लगा ये,
और जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी बहुत बढ़िया है और सब जो मैनेजमेंट में वो भी सपोर्टिव है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। ओके, थैंक यू ब्रजेश। और देखा आपने कि इनकी जो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है और इनका जो थ्रू आउट द प्लेसमेंट करियर और टेक्निकल स्किल्स और कैसे कंपनीज में काम होता है सारी चीज़ें, लाइक बेसिकली प्रोजेक्ट्स भी आपके काम आए थे जो बनवाए गए थे, करेक्ट? सो सभी चीज़ें इनकी बहुत हेल्पफुल रही है और इन्होंने अपना बहुत अच्छा करियर बना लिया है एज अ जावा डेवलपर और इनको लाइन मिल चुकी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रोथ एंड मीट यू सून, देखते हैं आपसे कब मुलाकात होगी फिर से। ओके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। ओके, थैंक यू।